सरों का। लखनऊ में गुरुकुल अकादमी में वार्षिक खेल का आयोजन, एथलीट एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट पद्मश्री सुधा सिंह रही मौजूद। प्रयागराज में विश्वविद्यालय में क्रिसमस जलसा का आयोजन, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हुई प्रस्तुति। औरैया में गुब्बारों में गैस भरने के दौरान हुआ हादसा, सिलेंडर फटने से पिता और पुत्र की मौत, पिता पुत्र घायल। रायबरेली में 6 साल पहले बनी पानी की टंकी ध्वस्त, ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। अलीगढ़ में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामले में खुलासा, परिजनों ने ही बेटे की निर्मम हत्या। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में इंदिरा नगर के पास गुरुकुल अकादमी में वार्षिक खेल उत्सव का आयोजन किया गया। ये आयोजन केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन ओलंपिक एथलीट एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट पद्मश्री सुधा सिंह उपस्थित रही। इनके साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर लोकसभा सांसद कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह मौजूद है। कार्यक्रम में विशेष मेहमान के रूप में भाजपा प्रदेश संयोजक राजेश्वर समेत कई लोग मौजूद रहे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव अभियान में सार्थक योगदान प्रदान करना और बच्चों को खेल के प्रति जागरूक कराना है। प्रतियोगिता में सीनियर बालकों और बालिकाओं के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम का समापन हर घर तिरंगा गीत के साथ किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। प्रयागराज में सैम हिगन बॉटम कृषि प्रौद्योगिक और विज्ञान विश्वविद्यालय में भव्य क्रिसमस जलसा यीशु दरबार चर्च प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें परमेश्वर वचन, प्रार्थना, आराधना, मसीही भजन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की नाटक की प्रस्तुति भी हुई। सूटआउट्स के कुलपति और यीशु दरबार चर्च के प्रोफेसर राजेंद्र बिल्लाल ने परमेश्वर की प्रार्थना की, सभी को क्रिसमस की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में अपनाना होगा, जिसके बाद आप जगत की ज्योति बन जाएंगे। पृथ्वी को स्वर्ग बनाए और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मानव के रूप में आज से 2022 वर्ष पूर्व माता मरियम के गर्भ से उत्पन्न किया और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई पुत्र जनी, उनका नाम यीशु रखा गया। यीशु मसीह का अर्थ है छुटकारा देने वाला, अभिषिक्त, छुटकारा देने वाला और अनंत जीवन आप लोगों के साथ रहे हमेशा। परमेश्वर ने किसी जाति नहीं बनाई, परमेश्वर ने सबको एक समान बनाया है और वो चाहता है कि हम सब आपस में प्रेम से रहें। जाति तो मनुष्य ने बनाई कि वो हिंदू है, मुसलमान है, वो ईसाई है, वो सिख है, कुछ नहीं, ये तो लोगों ने अपने आप बना ली, वो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन हम लोगों को ये समझना है कोई भी किसी जाति का है, आपस में प्रेम से रहना। आगरा में जिलाधिकारी, कैबिनेट मंत्री और विधायक गणों के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में 2 सहायक अध्यापक और 13 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गुलाब देवी की उपस्थित में वर्चुअल प्रसारण लोक भवन सभागार में किया गया, जिसके बाद विधायक और जिलाधिकारी ने 2 सहायक अध्यापक, 13 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र देकर शुभकामनाएं दी।
जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि जनपद में 2 सहायक अध्यापक और 13 प्रवक्ताओं की सेवा मिलेगी, जिससे जनपद में शिक्षा क्षेत्र में सुविधाएं मिलने के साथ उनकी गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। उन्होंने उपस्थित सभी चयनित अध्यापकों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में सेवा करने का अवसर मिलना सौभाग्य का विषय है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रतिक्रिया के माध्यम से शिक्षकों के चयन पर आभार प्रकट भी किया और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने ऐसे ही बेटी बेटों का चयन किया है जो कि अपने अपने विषय में प्रज्ञ हैं, विद्वान हैं और आज वो यहाँ से लेक्चरार बन के निकले हैं। एक हमारी टीचर भी बनी हैं। मैंने इन बच्चों से यही कहा है कि आप बच्चों को ऐसी शिक्षा देना कि वो भी आपकी की तरह बने और आगे चल के वो भी इसी तरह सर्टिफिकेट लें। उसके साथ साथ उन्हें संस्कार भी देना, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में भी बताना, जिससे कि हम औरैया के थाना दिव्यापुर क्षेत्र के गैल गांव के पास सीआईएसएफ मैदान में क्रिकेट मैच का आयोजन चल रहा था। उसी में पिता और पुत्र वहां पर गैस के गुब्बारे बेचने निकले हुए थे। जब वो लोग गुब्बारे से गैस भर रहे थे तभी अचानक से सिलेंडर फटने से हादसा हो गया, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 100 सया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर पिता को मृत घोषित कर दिया गया जबकि पुत्र को गंभीर हालत को देखते हुए सैफई रेफर कर दिया गया है। जो है सो एक मैच चल रहा था, उसी समय जो कुछ दो लोग जो हैं जिसमें मोहम्मद इस्लामुद्दीन और उनका बेटा मोहम्मद अनीस जो है ये गुब्बारा बेचने गए थे, जिसमें गैस सिलेंडर भी था इनके पास। गुब्बारा बेचने के समय पर उसी समय जो है गैस सिलेंडर जो है फट गया, जिसमें मोहम्मद इस्लामुद्दीन और अनीस घायल हुए। मोहम्मद दोनों लोगों को जो है तत्काल CSC चिचौली लाया गया जो है। यहाँ पर उपचार के दौरान मोहम्मद इस्लामुद्दीन मृत घोषित किए गए हैं और इनको जो बेटा है इनका जो घायल मैनपुरी में बेवर के सरकारी अस्पताल में चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है, जहां पर इंसानों के बजाय कुत्ते डॉक्टर की सीट पर दिख रहे हैं। दरअसल औषधि वितरण कक्ष में डॉक्टर की कुर्सी पर कुत्ता बैठा मिला। आपको बता दें ये CSC का साल में दूसरा वायरल वीडियो है जिसमें कुत्ता डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा मिला। बेवर के CSC पर इस तरह के कारनामे होते ही रहते हैं। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य विभाग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और वहीं इस मामले में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अलीगढ़ में थाना गोंडा क्षेत्र के गांव तारापुर में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने भी सुना उसके पैरों की तले जमीन खिसक गई। जिन हाथों से बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया उन्हीं हाथों से बेटे की निर्मम हत्या कर दी। घटना को छुपाने के लिए शव को बोरी में बंद करने के बाद धान के खेतों में फेंक दिया। वहीं गाँव वालों का कहना है कि बेटे के द्वारा हर रोज तरह तरह के उपद्रव किए जाते थे, यही कारण है बेटे को ठिकाने लगाना ही मुनासिब समझा गया। मुखबिर की सूचना के बाद चंद घंटों बाद पुलिस के द्वारा खुलासा कर दिया गया। के तहत एक युवक को उसके ही परिवारी जनों के द्वारा हत्या कर शव को छिपाए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के द्वारा शव को बरामद कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की गई है। अब तक एक अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। फरुखाबाद में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी तभी तेज रफ्तार से जा रहे एक संदिग्ध बाइक सवार को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो संदिग्ध युवक ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई, साथ ही 2 पुलिसकर्मी को भी गोली लग गई। गोली लगने से घायल बदमाश और पुलिसकर्मियों की CSC में भर्ती कराया गया। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 इनामी छात्र बदमाश को गोली लगने से वो ढेर हो गया है। पूरे मामले पर SP अशोक कुमार मीणा ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। ये पूरा मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के टेढ़ी कोनतेरा का बताया जा रहा है। करीब 4 बजे करीब थाना कायमगंज क्षेत्र के अंतर्गत दुराने चेकिंग जो एक व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल पर आ रहा था, जिसके संबंध में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त थी,
उसको हमारी कायमगंज थाने की पुलिस के द्वारा, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। वो नहीं रुका और साथ ही साथ उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। फायरिंग में जो अभियुक्त था वो गोली लगने से घायल हुआ और उसको वहाँ से तुरंत से जो हमारा CSC कायमगंज है वहाँ रेफर किया गया और वहाँ से उसको। रायबरेली में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। प्रदेश की सरकार जहां हर शौचालय घर देने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर सामुदायिक शौचालय में ताले लटक रहे हैं। गांव में संबंधित अधिकारी जाते ही नहीं है तो कैसे पता चले शौच के लिए ग्रामीण खुले में जाने को विवश है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया। शासन का मकसद था शौचालय बनेंगे तो जिनके पास सुविधा नहीं है वो लोग इनका उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए भारी भरकम धनराशि खर्च कर शौचालय का निर्माण कराया गया था, लेकिन जिम्मेदारों की उपेक्षा से शौचालय निर्माण सार्थक नहीं हो रहा है। ग्राम पंचायत में बने लाखों से सामुदायिक शौचालय पर ताले लटक रहे हैं। मामला दलमऊ ब्लॉक के देवन्ना गाँव का है। साल इसको हो गए हैं, इसमें कुछ नहीं था। दो कर्मचारी आते हैं, पान खाते हैं और बढ़िया हाँ हाँ करके वो निकल लेते हैं। ना बताओ, इतनी बड़ा चौराहा है, अगर लग जाए टट्टी तो यहाँ ठिकाना नहीं। अगल बगल में लोगों को तो गाली देते हैं, लड़ाई झंझट करते हैं। बताओ क्या करें हम लोग। अच्छा, सरकार का शौचालय, सामुदायिक शौचालय देने का मेन मकसद ये था कि दलित बस्ती के लोग भी सामुदायिक शौचालय का लाभ ले पाएंगे। आप लोग चौराहे में रहते हैं, समस्या होती है आप लोगों को? बहुत समस्या की, मारपीट का नंबर आ जाता है। रायबरेली में डलमऊ ब्लॉक के तेरुखा गांव में पानी की टंकी ध्वस्त हुई। ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। आपको बता दें कि सरकार जल जीवन मिशन अभियान के तहत घर घर पानी पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं सरकार के जल जीवन मिशन को पलीता लगाने से आला अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं ग्रामीण ने बताया कि 1 किलोमीटर की दूरी से पानी को लेकर आते हैं, साथ ही आए दिन कोई ना कोई चोटिल भी होता रहता है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों ने बताया कि गांव में 6 वर्ष पहले पानी की टंकी 1 वर्ष से बंद पड़ी है, जिसको लेकर दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का निस्तारण नहीं हो सका और टंकी का ध्वस्तीकरण कर दिया गया। जब से बना चला नहीं? चला नहीं। कितना समय हो गया इसको बने हुए? अरे इसको बनने लगभग कितने दिन हुए भैया? 3 साल हो गए। पहले जो प्रधान जी थे उन्होंने बनवाया और उसके बाद इलेक्शन हुआ, प्रधान जी इलेक्शन हार गए, तब से इसमें मोटर की चोरी हो गई थी। अच्छा, उसी पीरियड में मोटर तो पड़ गई, इसके गड्ढे के अभी तक पाइप नहीं जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए। अच्छा, सरकार के द्वारा हर एक शौचालय में 2 कर्मचारी। पानी के लिए आपके क्या समस्या है? पानी के लिए 1 साल हो गई, पर टंकी में पानी नहीं आता है। यहाँ कहते मोटर जली है, बिल दीजिए। जब पानी नहीं पहुँचेगा तो बिल किस चीज़ का है? अच्छा, आपने कभी इसकी शिकायत की किसी से, ग्राम प्रधान से किसी? ग्राम प्रधान से, JEE से सबसे शिकायत तो की जाती है। क्या बोलते हैं? कहते अभी नहीं आएगा, बिल नहीं जमा होता, पिछला बिल कौन देगा? अच्छा, पिछला बिल पंचवर्षीय का ये बिल मांगते हैं, कौन देगा बिल? पानी कहाँ से आता है आप लोगों? ये पानी आता है तेरुखा में, तेरुखा से पानी टंकी है। अच्छा, पीने के लिए लोग 3 किलोमीटर से पानी भर भर के लेके जाते हैं। तो टंकी से क्या पानी आता है या फिर? सप्लाई बंद है, 1 साल हो गया। 1 साल से? हाँ। अच्छा, आप लोग पानी कहाँ से लेकर आते हैं? पानी ये देवन्ना चौराहा से गाँव 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ से पीने के लिए लोग पानी ले जाते हैं। अच्छा, टंकी से पानी बिल्कुल नहीं आता। फिरोजाबाद में जैन समाज के लोगों ने झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिखर पर्वत को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर जैन समाज के लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे। झारखंड सरकार को केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। वहीं जैन मंदिर पर जैन समाज के मुनियों ने केंद्र सरकार के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। जैन समाज ने घंटाघर से लेकर जैन मंदिर तक जुलूस निकाला। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन कर जुलूस निकाला गया। शिखर हमारा है और हम इसे जो ये बनना है पर्यटन स्थल वो नहीं बनने देंगे। ये हमारा बहुत बड़ा तीर्थ है
इसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। हम सब जान कर रहे हैं जी। हमारा समेत शिखर जी जो सबसे जैनियों की शान सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है, उसके विरोध में हम एक रैली निकाल रहे हैं जिसका जो रैली बिल्कुल शांति से निकाली जा रही है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम कोई भी हिंसा नहीं करते हैं। और जो जो समेत शिखर जी हमारा तीर्थ है वहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।